तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि कस्मिन्नैव काले च जया च विजया सखी। एक समय की बात थी, जया और विजया ये दो सखी हैं माता पार्वती की। इनके कहने से माता ने ओवटन की को सामग्री रखी हुई थी, उसको एक पुरुष की आकृति दे दी और उसी में से एक वीर बालक प्रकट हो गया। और उस बच्चे ने कहा कि हमारे लिए कोई काम बताएं। मैया ने कहा तो मेरा पुत्र है गणेश, मैं तेरा नाम रखती हूँ। प्रभु महादेव के जितने भी गढ़ होंगे उसमें सर्वोच्च तुम होगे। बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम अंदर किसी को मत आने देना। यह मैया गणेश जी को बोली। गणेश जी लाठी लेकर के दरवाजे पर बैठ गए। पिताजी ही चले आए, भगवान महादेव गणेश जी ने रोक दिया। शंकर जी ने पूछा तुम कौन हो? बालक ने कहा मैं गणेश हूं। तू कहां से आया? भोलेनाथ बोलेगा माँ ने पैदा किया, जन्म दिया। किसका बेटा है, कौन है तेरी माँ? गणेश ने कहा माँ पार्वती मेरी माँ है। भोलेनाथ ने कहा हमें पता भी नहीं है और तेरा घर में जन्म भी हो गया है। कहा तुम्हें पता के नहीं, मुझे नहीं मालूम। माँ स्नान कर रही है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। युद्ध की नौबत आई, महादेव वापस चले गए और उन्होंने नंदी जैसे अपने दिव्य गणों को भेजा। भगवान गणेश ने युद्ध में सबको पराजित कर दिया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए, वो भी जबरदस्ती करने लगे। माइक खोल दे भाई। गणेश ब्रह्मा जी की दाढ़ी से लटक गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बार मुझे छोड़ दे, मैं इस रास्ते से कभी नहीं निकलूंगा। ब्रह्मा जी को छोड़ा, ब्रह्मा जी भागे। वर्णन किया है कि भृंगी आए, गणेश के सामने कोई टिक नहीं पाया। भगवान गणेश ने सबको परास्त किया। उसके तत्पश्चात स्वयं भगवान महादेव आए, युद्ध हुआ और भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक करके मारा और वह त्रिशूल गणेश के मस्तिष्क में लगा, मस्तिष्क छेदन हुआ, समुद्र में गिरा मस्तिष्क। हाथी का मस्तिष्क उसके बच्चे का मस्तिष्क लाकर गणेश जी के धड़ से लगाया गया। गणेश जी खड़े हो गए।